जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस साल के अंत तक महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सभी चारों राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी के नामों का ऐलान किया है। पार्टी हाईकमान ने आज सोमवार को महाराष्ट्र के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया है और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी नियुक्त किया है। भूपेंद्र यादव को संगठन को चलाने में कुशल माना जाता है। भूपेंद्र यादव यूपी बिहार में प्रदर्शन कर चुके हैं, अब महाराष्ट्र में उनको नई जिम्मेदारी दी गई है और हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है, जबकि बिप्लव कुमार देव सह प्रभारी रहेंगे। इसी तरह झारखंड का प्रभारी एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सह प्रभारी के रूप में भूमिका निभाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर का प्रभारी जी किशन रेड्डी को बनाया गया है। बीजेपी ने कहा है यह नियुक्ति तुरंत प्रभाव से होगी। महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल इस साल के अंत में ख़त्म होना है। ऐसे में महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, यहाँ अक्टूबर या उससे पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वहीं झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को ख़त्म होना है, यहाँ पिछली बार नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव हुए थे। ऐसे में इस बार भी 81 सीटों वाले झारखंड में भी नवंबर दिसंबर या उससे पहले विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। बीजेपी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आते ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आज बीजेपी ने चार राज्यों में प्रभारी सह प्रभारी घोषित किए हैं। थैंक यू।